जमीन फटने लगी, पहाड़ टूटने लगे। बारिश मूसलाधार, डूबे बस, ट्रक और कार। मानसून की मनमानी, कई शहर पानी पानी। पहाड़ से मैदानों तक मानसून का अटैक। आसमानी आफत का अलर्ट, रहें सतर्क। सैलाब का शक्ति प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। मानसून पूरे देश में आ चुका है और अगले चार दिन यूपी एमपी समेत 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। आपको हम देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली की तस्वीरें देखिए, जहां सुबह मौसम बदला और भारी बारिश हुई और सड़कों पर पानी भर गया, तो वहीं मुंबई के चैम्बर में जमीन धंसने से बड़ा हादसा हो गया। इसमें 10 गाड़ियां जमीन में समा गई। इसके अलावा ऊना में नदी नालों में भारी बारिश से सैलाब आया, इसमें एक गाड़ी बह गई। केरल के कन्नूर में भी बारिश का कहर देखने को मिला। आधा हिंदुस्तान इस वक्त भारी बारिश की मार झेल रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में मानसूनी बारिश से आफत मची हुई है। दिल्ली एनसीआर में आज भारी बारिश से सड़कों पर जलजमाव हो गया है, इससे गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। बाढ़ की सबसे भयावह तस्वीर। जब जल प्रहार के आगे 1800 किलो की कार ने मानी हार। पानी का रौद्र रूप कितना खतरनाक हो सकता है और कैसे इसके प्रहार के आगे सब लाचार हो जाते हैं, ये इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में पानी के तेज बहाव के आगे एक लग्जरी कार की एक न चली। तस्वीरें देखिए, पानी का बहाव तेज है, बीचों बीच एक कार फंसी है। लोग इस भयावह मंजर को देख रहे हैं, लेकिन बहाव इतना तेज है कि कोई कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। पहले तो गाड़ी एक जगह आकर रुक जाती है, लेकिन बाद में तेज बहाव में बह जाती है। गनीमत ये रही कि कार में सवार सभी लोग पहले ही कूद गए थे और उनकी जान बच गई। ऊना में बुधवार को तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। नदी नाले भी उफान पर हैं। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अनुमान जताकर लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार से भी देखने को मिली। ऊंचाई के इलाकों में हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। हरिद्वार चीला मार्ग पर तेज पानी में एक गाड़ी फंस गई। ये कार दिल्ली से ऋषिकेश घूमने गए एक टूरिस्ट की थी और वो नदी को पार करने की कोशिश में था, लेकिन गाड़ी नदी के तेज बहाव में बह गई। सूचना पाकर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला और कार सवार की जिंदगी को बचा लिया। मुंबई में वैसे तो हर साल बारिश आफत बनकर आती है, लेकिन ये कितनी खतरनाक हो सकती है उसकी ये तस्वीर गवाह है। मुंबई के चेंबूर इलाके में भारी बारिश और जल भराव से सड़क का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया। इससे एक कार सड़क पर बन गए गड्ढे में समा गई। हादसे के बाद बीएमसी और फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। एहतियात के तौर पर आसपास की इमारतों को खाली करा लिया गया था। कुछ ऐसा ही हाल बिहार का भी है। दरभंगा में बारिश के बाद अस्पताल के अंदर पानी भर गया। यहां बिस्तर पर लेटे मरीज अपना इलाज करा रहे थे और डॉक्टर साहब जल भराव से जूझते हुए मरीजों तक
पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल DMCH की है, जो पूरी तरह जलमग्न नजर आ रहा है। इमरजेंसी हो या फिर बच्चों का वार्ड, सब जगह पानी भरा था। भारी बारिश के बाद दिल्ली NCR की हालत भी दूसरे राज्यों से अलग नहीं है। कई घंटों की बारिश के बाद दिल्ली, गुरुग्राम और गाजियाबाद के कई इलाके जलमग्न हो गए। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए। राजधानी में सुबह से ही अंधेरा छाया रहा। सुबह सुबह भारी बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कों पर जल भराव देखने को मिला है, जिससे गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी है। भारी बारिश और जल भराव के कारण कई इलाकों में ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। दिल्ली NCR में अगले कई दिनों तक रुक रुक के बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अब राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम की इन तस्वीरों को देखिए। तेज बारिश के बाद सेक्टर 34 में नगर निगम के दफ्तर के बाहर पानी जमा हो गया। वहीं सेक्टर 10 इलाके में सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया। कई फीट तक जमा हुए पानी ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। बारिश से जूझ रहे लोगों की ये खतरनाक तस्वीरें अभी कुछ और दिनों तक आती रहेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक बारिश का कहर यूं ही जारी रहेगा।